बंदा हमेशा सही नहीं हो सकता, गलती हो जाती है और उस गलती के बाद ही पता चलता है कि क्या सही था क्या गलत था। मैंने लाखों गलतियां की होंगी और उसके बाद मुझे समझ आया कि मैं और आलिया बेशक साथ रहना चाहते थे पर हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। आसमा, तुम मेरे लिए सही हो, पर उससे पहले मैं अपने गुनाहों का ना प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तब तक माफी मांगूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करते थे। मुझे चलना चाहिए। मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें, तुम सेफ नहीं हो आसमा। जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेबल्स हैं मेरे साथ। आसमा, मैं रात भर यहीं रहूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुम फोन कर देना मुझे। उड़ानिया सीरियल में आएगा नया ट्विस्ट, जल्द लेगा ये शो हमसे विदा। बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ानिया की, जिसके आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। वेल हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। जिस तरीके से सीरियल उड़ानिया में अरमान और आसमा के बीच में दूरी आ गई है, इन दूरियों का फायदा कबीर उठा रहा है। लेकिन आलिया कैसे शांत बैठ गई, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आलिया अब क्या करेगी। फिलहाल तो जो है आलिया का बिल्कुल भी सीक्वेंस देखने को कुछ खास मिल नहीं रहा है। वेल, आने वाले एपिसोड में आपको यही देखने को मिलेगा कि ना तो कबीर हार मान रहा है और ना ही आलिया हार मानने वाली है। अब ऐसे में देखना होगा कि जहां पर आलिया के मन में अब आसमा के लिए और भी ज्यादा नफरत हो गई है कि वो हरलीन की बेटी है और यू नो मेरा यहाँ पर मेरी जगह थी और वो आसमा को मिल गई, तो ये भी अरमान के साथ जो है आलिया ने खो दिया है। वेल, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बार फिर से कभी जो है कोशिश करेगा अरमान और आसमा को अलग करने की, और दूसरी ओर जो है अरमान कोशिश करेगा आसमा को अपने साथ रखने की और मनाने की। आने वाले एपिसोड में ये भी कहा जा रहा है कि ये शो हैप्पी एंडिंग के साथ साथ ऑफ एयर हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अब शो की कहानी अगला टर्निंग पॉइंट लेती है, क्योंकि फिलहाल तो हमें बस ये देखने को मिल रहा है कि जो आसमा है वो किस तरीके से अरमान को इग्नोर करना चाहती है, लेकिन जो उसका दिल है वो उसे इग्नोर नहीं करने देता और अरमान के घर पहुंच जाती है आसमा अरमान की मॉम के कहने पर। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।